इस वक्त बजी है दोपहर की 3:30। थोड़ा सा हंगरी हो गया हो, लेकिन मैंने सोचा जब गुजरात आए तो गुजराती थाली तो ट्राई करनी बनती है यार। तो अभी यहाँ पे कल जो क्रिमल आया था ना, उसने बोला था यहाँ पे सासू जी नाम का कोई होटल है, वहाँ पे गुजराती थाली ट्राई करने जा रहा हूँ। वहाँ से ऑटो से जाना पड़ेगा। चलो पूछते बोला, सासू जी होटल जाना है। कौन सी? सीजी रोड पे। सीजी रोड सासू जी जाओ, ले जाओ। कितने? 40 रुपये। चलो भैया। हाँ हाँ, ज़्यादा दूर है क्या? कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 4-4.5। गाइस, सासू जी रेस्टोरेंट आ गए हम, डाइनिंग हॉल। यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से जाएंगे हम और एंजॉय करेंगे हमारी गुजराती थाली। ये तो कोई दूसरा ही मार्केट है यार, शायद एंट्री नीचे से। इतनी दूर आए ऑटो में खर्चा करके और ये लोग बोल रहे क्लोज्ड। गुजराती थाली कहीं भी नहीं मिलेगी यहाँ पे आसपास में? और कोई दूसरी होटल नहीं है? ड्रेस कोल्डर के सामने है, वो भी पंजाबी है। पंजाबी है, गुजराती नहीं है। चलो धन्यवाद। सासू जी ने तो नाराज़ कर दिया यार, अब देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है ना, संडे है, अधिकतर सब कुछ बंद ही दिख रहा है यहाँ पर। भैया यहाँ पे रेस्टोरेंट है क्या, होटल वगैरह है खाने की, मतलब जहाँ गुजराती थाली मिले? है? कितनी दूर है ये? 400 छोड़ के। हाँ, दूसरे 400 थोड़ा, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, पैदल जा सकते हैं? पैदल आप 6-7 मिनट में पहुँच जाओगे। अच्छा, 400 कहाँ पे? ये जो स्क्वायर है उसके राइट साइड में। ये क्या लिखा है सामने? वो तो बंद है। वो बंद है? हाँ, वही तो सासू जी ने नाराज कर दिया इसके लिए। अब मैंने एक दिन यही बार होता है, अरे मैं ऑटो पकड़ के यहीं पे आया था खाना खाने, अब उनने बंद कर दिया, क्या कर सकते। ऑटो में जाओगे तो 15 रुपये लगेगा। चलो छोड़ दो। चलो काका जी छोड़ रहे 15 रुपये में, बैठ जाते हैं यार। ज़्यादा थकना नहीं है अभी, बहुत वीडियो बनाना। आप वहाँ घुमा लोगे ना? नहीं, यहाँ उधर वो सामने ही पड़ी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। कोई गली बली में तो मैं छोड़ दिया। चलेगा चलेगा। यहाँ पर ऑटो वाले काफ़ी मिलनसार है, ये अंकल भी बहुत अच्छे थे। मैंने बोला चलो मेरे साथ खाना खा लो, बोले नहीं मेरे पास टिफ़िन पड़ा है। मैंने मजाक में बोला कि ठीक है आपका टिफ़िन मुझे दे दो, आप यहाँ पे खा लो, तो वो रेडी हो गए थे। मैंने बोला नहीं अंकल, मजाक कर रहा हूँ। दिल बड़ा है अहमदाबादियों का, अच्छा लगा अहमदाबाद आके। अब इन्होंने एक यहाँ पे गुजराती थाली मिली है हमको, ये पीछे देख रहे हो आप। चलो ट्राई करते गुजराती फूड। आज क्यों बंद क्यों है? आज सब बंद क्यों है? हाँ, 7 बजे तो अभी किसी को खाना खाना हो तो कैसे खाएगा यार? गुजराती रेस्टोरेंट सब बंद रहते हैं, 7 बजे खुलेंगे, गड़बड़ है यार। अब कुछ और ही ट्राई करना पड़ेगा। सामने है पाव भाजी वगैरह, वही चलो वही खा लेते हैं यार। गुजराती थाली नसीब में नहीं है, रात को ट्राई करते हैं, हो सकता है रात को मिल जाए। लकीली यहाँ पे गुजराती फूड है, बट उन्होंने बोला एग्जैक्टली गुजराती नहीं है, थोड़ा सा पंजाबी फ्लेवर उसमें मिक्स है। चलो कुछ खा तो लेते हैं।
थैंक यू। हाँ तो गाइस फाइनली थाली आ गई यार, इसमें इन्होंने दिया है ये रोस्टेड पापड़, यह आई गेस पनीर की सब्ज़ी है, ये है सलाद, ये है दाल और ये है छोले। रोटी गर्म है, पहले पनीर ट्राई करते हैं। पनीर लवर्स लाइक ठोको। नॉट बैड। बट दिस इज़ नॉट गुजराती थाली। आई मीन सब कुछ अच्छा है बट आई वॉज लुकिंग फॉर टिपिकल गुजराती थाली, ये वो नहीं है। ठीक है जो भी है खा तो लेते हैं। आई होप रात को मुझे कहीं पे मिल जाए गुजराती थाली, ट्राई करूँगा। छोले भी अच्छे हैं। इफ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो फ्रॉम अहमदाबाद, मुझे बताओ कि अहमदाबाद में ऐसा क्यों है, तो फिर मैं गुजराती फूड क्यों नहीं मिलता यार 7 बजे के बाद, सब लोग बोल रहे हैं इसका क्या रीज़न है। आई मीन संडे को तो लोग बाहर खाते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों हुआ बताना कमेंट करके, पता तो पड़े। खाना ख़त्म करने के बाद मैंने मंगवाई है छाछ। छाछ पीना ज़रूरी है, गर्मी पड़ रही है। भारत के अधिकतर गांव में, स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में अधिकतर ये चीज़ पसंद की जाती है छाछ, स्पेशली खाना खाने के बाद अच्छी लगती है। मसाला छाछ है मस्त है। हाँ तो गाइस इतना ही था इस वाली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए आए हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। पीस।